मिर्ची बॉलीवुड। मीरा एक्चुअली प्लानिंग ये कर रही है कि विवान को जो बर्थडे के फर्स्ट बार मिले वो उसकी मम्मी के जिंदा होने का सबूत हो। मेन उसकी प्लानिंग ये चल रही है और कुछ प्लानिंग नहीं है। बाकी वो जो सब भी हो रहा है वो सब ड्रीम है जो विवान इमेजिन कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों बहुत कनेक्टेड है एक तरीके से। प्यार नहीं करते पर हाँ डिनायल लव है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो वो ड्रीम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि शायद ऐसा करती। चलो ये तो एक ड्रीम सीक्वेंस हो गया, क्या रियलिटी में हम कब देखेंगे ये रोमांस मीरा और विवान? रियलिटी में तो बहुत टाइम है, क्योंकि अभी तक विवान और मीरा ने एक्सेप्ट नहीं किया है और वो डिवोर्स पेपर भी अभी तक जिंदा है कि डिवोर्स लेना है एक दूसरे से। सो आई डोंट थिंक सो अभी बहुत जल्द व्यूअर्स को ऐसा ओरिजिनल रोमांस मिलेगा, पर ड्रीम सीक्वेंस और ये सब चलता रहेगा नुकझुक के साथ। सो इस खुशी के बीच थोड़ा दुखी तो होना ही चाहिए, तो कुछ स्टेप मदर ने भी साजिश रची है। सो वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही है कि काला जादू जैसे चीप ब्लेम्स उस पर लगा दे। जैसे वैसे तो वो लंदन से आई हैं पर एक्चुअल में वैसे विदेशी बनती हैं पर एक्चुअल में वो देसी हैं बहुत। तो ऐसे एक घटिया और चीप ट्रिक्स अपना रही हैं कि जैसे मीरा ने काला जादू करा है या वो तुम फिर झूठ बोल रही है, ऐसे करके विवान और मीरा को दूर करने की कोशिश कर रही है, जो कि अभी तक उतने पास भी नहीं आए उन्हीं को दूर करने की कोशिश कर रही है। पर विवान को कहीं ना कहीं यकीन है कि मीरा ये सब नहीं कर सकती। मीरा के मीरा से ज़्यादा मीरा को ये लग रहा है कि उसके पापा जी को झूठ बोला है कि वो झूठे हैं, वो उन्होंने ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग की है कि विवान को फंसाना, मेरी लड़का फंसाना। तो मीरा अपने पापा को एकदम सच्चा साबित करना चाहती है, तो इस वजह से वो ये सब कर रही है जो इतनी मेहनत कर रही है। क्योंकि अगर मीरा पे ब्लेम आता तो वो कहती है ठीक है एक बार को कोई बात नहीं, तू जो बोलना है बोल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरी पापा जी पे मेरी फैमिली पे तो तूने और तुम्हारी मम्मी ने ब्लेम डाला है, तो वो एक अनएक्सेप्टेबल है। तो वो उनको हटाने की पूरी कोशिश कर रही है। सो लास्टली फैंस को क्या कहना है? कीप वॉचिंग एंड कुछ भी काला जादू जैसा नहीं है। आई वॉज रीडिंग ऑल द ट्वीट्स, सो मैं ये बोलना चाहती हूँ काला जादू जैसा कुछ नहीं आ रहा है, कोई ऐसा स्टूपिड ट्रैक नहीं आ रहा है। एंड रोमा जी को इस्टेब्लिश करने के लिए अब उनका नेगेटिव, और अगर नेगेटिव मतलब जो विलन है वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हीरोइन और हीरो का स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव चीज़ कैसे आएगी? तो आप देखो शो, आपको बहुत पसंद आएगी स्टोरी आगे की भी, और विवान और मीरा के बीच में जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, सब व्यूअर्स इतना पसंद कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लव यू।